नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किसी भी जेट क्लासेज में। मैं पवन चौधरी केशवानंद कैरियर पॉइंट सीकर कोचिंग में केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। हमने कोचिंग की तरफ से ऑनलाइन वीडियोज केमिस्ट्री के स्टार्ट कर रखे हैं, तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको न्यू वीडियोज हैं जो अपलोड होते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल किसी भी जेट क्लासेज में। जैसा कि आपको पहले बताया था कि हम यूनिट वाइज टेस्ट के साथ में आपके टॉपिक वाइज जो टेस्ट है जो 20 क्वेश्चन का वो लेकर आएंगे, तो अब हम वो 20 क्वेश्चन है वो लेकर आ गए हैं और डेली से अपने 20 क्वेश्चन है वो टॉपिक वाइज लेके आएंगे रोजाना। तो आपको जो भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन में डाउट्स हो, उसका सॉल्यूशन भी हम नेक्स्ट डे लेकर आएंगे। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप उस प्रॉब्लम को लिखें, हम जरूर आपकी समस्या का समाधान करेंगे। धन्यवाद। और तो आज के हम टॉपिक क्वेश्चन देखते हैं 20 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, NaCl क्रिस्टल इनमें से किससे बना हुआ है? ए NaCl अणु, Na प्लस तथा Cl माइनस आयन, Na तथा Cl परमाणु, इनमें से कोई नहीं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यौगिक सबसे कम आयनिक है? ए ऑप्शन AgCl, KCl, BaCl2, CaCl2। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह के तत्व सरलता से धनायन बनाते हैं? इसमें है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और डी में है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक। चौथा क्वेश्चन है, इन बंधों में से कौन सा सबसे अधिक आयनिक है? ए ऑप्शन में सीजियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, कार्बन क्लोराइड और हाइड्रोजन और सीएल के बीच जो बंध। पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक विद्युत संयोजी बंध है? ए में CH4, मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl2, SiCl4, BF3। फिर छठवा क्वेश्चन देखो, यदि NaCl को जल में घोले तो सोडियम आयन होता है, ऑक्सीकरण, अपचयित, जड़ अपघटित, जड़ योजित। सातवां क्वेश्चन है, सीजियम तथा फ्लोरीन के बीच रासायनिक बंध की प्रकृति है, सहसंयोजी आयनिक, उप सहसंयोजी धात्विक। आठवां है, निम्नलिखित में से कौन से यौगिक में वैद्युत संयोजी बंध है? ए CH3Cl, NaCl, CH4, Cl2। नवा है, दो तत्वों की विद्युत ऋणताएं 1.2 एवं 3.0 है, इनके बीच कौन सा बंध होगा? आयनिक, ध्रुवीय सहसंयोजक, उप सहसंयोजक, धात्विक। दसवां है, कौन सा बंध प्रबलतम है? ए में BrF, FF, ClF, BrCl। ग्यारहवां क्वेश्चन देखो फिर, N2 अणु में बंध बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या है 2, 4, 6, 10। बारहवां क्वेश्चन है, ग्रेफाइट में बंधन प्रकृति है, सहसंयोजक, आयनिक, धात्विक, उप सहसंयोजक। तेरहवा क्वेश्चन है, निम्न में से किस युग्म में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है? ICl, NH3, BCl3, PCl3। चौदहवा क्वेश्चन है, हीरे में बंध की प्रकृति होती है, सहसंयोजी, आयनिक, उप सहसंयोजी, हाइड्रोजन। पंद्रहवा क्वेश्चन है, अष्टक नियम निम्न में से कौन से अणु के लिए लागू नहीं होता? CO2, H2O, CO, O2। सोलहवां क्वेश्चन देखो फिर, निम्न में से कौन सा यौगिक सहसंयोजी है? H2, CaO, KCl, Na2S। सत्रहवां क्वेश्चन है, सहसंयोजी गुण का बढ़ता हुआ सही क्रम है, LiCl, NaCl, BeCl2, BeCl2, NaCl, LiCl, NaCl, LiCl, BeCl2, BeCl2, LiCl, NaCl। फिर अठारहवां क्वेश्चन है, NH3 तथा BF3 के मध्य बंध होता है, वैद्युत संयोजी, सहसंयोजी, उपसहसंयोजी, हाइड्रोजन। उन्नीसवां क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें उपसहसंयोजक बंध है? N2O5, BaCl2, NaCl, H2O। बीसवां क्वेश्चन है, प्रबलतम बंध है, कार्बन कार्बन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन। तो ये हमारे आज के 20 क्वेश्चन है, वो
वो रासायनिक बंध का पहला टॉपिक रासायनिक बंध के प्रकार से था। तो आज आपके ऐसे ही हर एक टॉपिक के 20 वीडियो आते रहे हैं, 20 क्वेश्चन है वो आते रहेंगे। तो प्लीज जिसको भी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और